नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दिल्ली मस्जिद इमाम में चहलुम की मजलिस। खबर से है दिल्ली मस्जिद इमाम रजा में चहलुम की मजलिस। आपको बताते चले कि दिल्ली मस्जिद इमाम रजा में आज चहलुम के सिलसिले से एक मजलिस का आयोजन किया गया, जिसको मौलाना कमाल नकवी ने खिताब किया। मौलाना बहुत अच्छी तकरीर की और लोगों को दीन की जानकारी से अवगत कराया। दिल्ली से संवाददाता सैयद हादी हसन नकवी की रिपोर्ट। को तमाम नामों का इल्म अता किया और हमने इन नामों का फरिश्तों को भी इल्म अता किया। जब हमने फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों ये बताओ कि ये नाम कौन कौन से हैं, ये नाम क्या क्या हैं, तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हमें मालूम नहीं है। तो परवरदिगार ने जनाब आदम से पूछा, मैं परवरदिगार से कहूंगा पालने वाले ये बता तू अपने नबी से अपने हादी से पूछ के इनके नाम रहा है, क्योंकि तू तो कुरान में कह रहा है कि हम सबसे पहले रूह जमीन पर एक खलीफा बनाना चाहते हैं। और फरमा रहे हैं आप परवरदिगार कह रहा है कि हमने आदम को तमाम नामों का इल्म अता किया, लेकिन परवरदिगार तू कुरान में भी ये कह रहा है कि हम सबसे पहले एक रूह जमीन पर खलीफा बनाना चाहते हैं। कौन खलीफा? जनाब आदम। कौन से खलीफा? जनाब आदम। लेकिन परवरदिगार पूछ किसके नाम रहा है? आप मुझसे बेहतर जानते, अगर कोई चीज का तारुफ होता है तो उस चीज का मौजूद होना जरूरी है, उस चीज का होना जरूरी है। लेकिन परवरदिगार पूछ किनका नाम रहा है? तू जानना क्या चाहता है? जब आवाज आएगी जनाब आदम से पूछा कि आदम तुम ये बताओ ये नाम किसके है, तो जनाब आदम ने कहा ए पालने वाले ये मोहम्मद है, ये अबू के फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है।